गरग संहिता के गोलक खंड में नवे अध्याय में गरग जी की आज्ञा से देवक का वासुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करना, विदाई के समय आकाशवाणी सुनकर कंस का देवकी को मारने के लिए उद्यत होना और वासुदेव जी की शर्त पर उसे जीवित छोड़ना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, श्रेष्ठ मथुरापुरी के परम सुंदर राजभवन में गर्ग जी पधारे। वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े प्रमाणिक विद्वान थे। संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने शूर सेवन की इच्छा से उन्हें अपने पुरोहित तक पद पर प्रतिष्ठित किया था। मथुरा के उस राजभवन में सोने के किवाड़ लगे थे, उन किवाड़ों में हीरे भी जड़े हुए थे। राजद्वार पर बड़े बड़े गजराज झूमते थे, उनके मस्तक पर झुंड के झुंड भोरे आते और उन हाथियों के बड़े बड़े कानों से आहत होकर गुंजारव करते हुए उड़ जाते थे। इस प्रकार वे राजद्वार उन भ्रमरों के नाच से कोलाहल पूर्ण हो रहा था। गजराजों के गंडस्थल से निर्झर की भांति झरते हुए मंद की धारा से वह स्थान समावृत था। अनेक मंडप समूह उस राजमंदिर की शोभा बढ़ाते थे। बड़े बड़े उद्भट वीर कवच धनुष ढाल और तलवार धारण किए राजभवन की सुरक्षा में तत्पर थे। रथ हाथी घोड़े और पैदल उस चतरंगनी सेना तथा मांडलिकों की मंडली द्वारा भी वह राजमंदिर सुरक्षित था। मुनिवर गर्ग ने उस राजभवन में प्रवेश करके इंद्र के सदृश उत्तम मरुचे सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन को देखा। अक्रूर देवक तथा कंस उनकी सेवा में खड़े थे और राजा छत्र चंदोवों से शोभित थे तथा उन पर चवट ढुलाए जा रहे थे। मुनि को उपस्थित देखकर राजा उग्रसेन सहसा सिंहासन सर उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अन्य यादों के साथ उन्हें प्रणाम किया और सुभद्र पीठ पर बिठाकर उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। फिर स्तुति और परिक्रमा करके वे उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर समस्त राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। फिर उन महामना महर्षि ने नीतिवेता यदुश्रेष्ठ देवक से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजन मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा है। मेरी दृष्टि में वासुदेव जी को छोड़कर भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए नरदेव वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दो। तो श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर गर्ग जी के उक्त आदेश को ही शिरोधार्य करके समस्त धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री देवक ने सगाई के निश्चय के लिए पान का बीड़ा भेज दिया और गर्ग जी की इच्छा से मंगलाचार का संपादन करके विवाह में वसुदेव वर को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। विवाह हो जाने पर विदाई के समय वासुदेव जी घोड़ों से शोभित अत्यंत सुंदर रथ पर स्वर्ण निर्मित एवं रत्न में आभूषणों की शोभा से संपन्न नववधू देवक राज कन्या देवकी के साथ आरूढ़ हुए। वासुदेव के प्रति कंस का बहुत ही स्नेह और कृपा भाव था। वे अपनी बहन का अत्यंत प्रिय करने के लिए चतरंगनी सेना के साथ आकर गमन उद्यत घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेकर स्वयं रथ हाँकने लगा। उस समय देवक ने अपनी पुत्री के लिए उत्तम दहेज के रूप में 1,000 दासियां, 10,000 हाथी, 10,00,000 घोड़े, 1,00,000 रथ और 2,00,000 गौएं प्रदान की। उस विदा काल में भैरी, उत्तम मृदंग, गोमुख, धुंधरी, वीणा, ढोल और वेणु आदि वाद्यों का और साथ जाने वाले यादों का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पर बिठाए लिए जा रहा है इसी का 8वीं संतान अनायास ही तेरा वध कर डालेगी, तो इस बात को नहीं जानता। कंस सदा दुष्टों का ही साथ करता था, स्वभाव से भी वह अत्यंत दुष्ट था। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। मैं निर्दयी होने के कारण बड़े भयंकर कर्म कर डालता था। उसने तीखी धार वाली तलवार हाथ में उठा ली, बहन के केश पकड़ लिए और उसे मारने का निश्चय कर लिया। उसमें बाजे वालों ने बाजे बंद कर दिए। जो आगे थे वे चकित होकर पीछे देखने लगे। सबके मुंह पर मुर्दनी छा गई। ऐसी स्थिति में सतपुरुषों में श्रेष्ठ श्री वासुदेव जी ने कंस से कहा। श्री वासुदेव जी बोले, भुजेंद्र,
आप इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। भौमासुर, जरासंध, बकासुर, वत्सासुर और बाणासुर सभी योद्धा आपसे लड़ने के लिए युद्ध भूमि में आए, किंतु उन्होंने आपकी प्रशंसा ही की। वे ही आप तलवार से बहन का वध करने को कैसे उद्यत होंगे? बकासुर की बहन पूतना आपके पास आकर लड़ने की इच्छा करने लगी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझ कर उसके साथ युद्ध नहीं किया। उस समय शांति स्थापन के लिए आपने पूतना को बहन के तुल्य बनाकर छोड़ दिया। फिर ये तो आपकी साक्षात बहन है, किस विचार से आप इस अनुचित कृत्य में लगे हैं? मथुरा नरेश, ये कन्या यहाँ विवाह के शुभ अवसर पर आई है, आपकी छोटी बहन है, बालिका है, पुत्री के समान दयनीय दया पात्र है। ये सदा आपको सद्भावना प्रदान करती आई है, अतः इसका वध करना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आपकी चित्तवृत्ति तो दीन दुखियों के दुख दूर करने में ही लगी रहती है। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वसुदेव जी के समझाने पर भी अत्यंत खल और कुसंगी कंस ने उनकी बात नहीं मानी। तब वसुदेव जी, ये भगवान जी का विधान है अथवा काल की ऐसी ही गति है, ये समझकर भगवत शरणापन्न होकर पुनः कंस से बोले। श्री वसुदेव जी ने कहा, राजन, इस देवकी से तो आपको कभी भय है नहीं। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके विषय में मेरा विचार सुनिए। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न सभी पुत्र आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है, अतः व्यथित नहीं होइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश, कंस ने वसुदेव जी के निश्चय पूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चला गया। इधर वसुदेव जी भी भयभीत होकर देवकी के साथ अपने भवन को पधारे। दसवें अध्याय में कंस के अत्याचार, बलभद्र जी का अवतार तथा व्यासदेव द्वारा उनका स्तवन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने सोचा वसुदेव जी भयभीत होकर कहीं भाग नहीं जाएं। ऐसा विचार मन में आते ही उसने बहुत से सैनिक भेज दिए। कंस की आज्ञा से 10,000 शस्त्रधारी सैनिकों ने पहुंचकर वसुदेव जी का घर घेर लिया। वसुदेव जी ने यथासमय देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए। वे क्रमशः 1 वर्ष के बाद होते गए। फिर उन्होंने एक कन्या को भी जन्म दिया, जो भगवान जी की सनातनी माया थी। सर्वप्रथम जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी उसे गोद में उठाकर कंस के पास ले गए। वे दूसरे के प्रयोजन को भी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए वह बालक उन्होंने कंस को दे दिया। वसुदेव जी को अपने सत्य वचन के पालन में तत्पर देख कंस को दया आ गई। साधु पुरुष दुख सह लेते हैं, परंतु अपनी कही हुई बात मिथ्या नहीं होने देते। सच्चाई देखकर किसके मन में क्षमा का भाव उदित नहीं होता? तो कंस ने कहा, वसुदेव जी, ये बालक आपके साथ ही घर लौट जाए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। परंतु आप दोनों का जो 8वां गर्भ होगा उसका वध मैं अवश्य करूँगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस के यो कहने पर वसुदेव जी अपने पुत्र के साथ घर लौट आए, परंतु उस दुरात्मा के वचन को उन्होंने तनिक भी सत्य नहीं माना। उस समय आकाश से उतरकर मैं वहाँ गया। उग्रसेन कुमार कंस ने मुझे मस्तक झुकाकर मेरा स्वागत सत्कार किया, मुझसे देवताओं का अभिप्राय पूछा। उससे मैंने उसे जो उत्तर दिया वह मुझसे सुनो। मैंने कहा, नंद आदि गोप वसु के अवतार हैं और वृषभानु आदि देवताओं के। नरेश्वर कंस, इस ब्रजभूमि में जो गोपियां हैं उनके रूप में वेदों की ऋचाएं और यहाँ निवास करती हैं। मथुरा में वसुदेव आदि जो वृष्णिवंशी हैं वे सब के सब मूलतः देवता ही हैं। देवकी आदि संपूर्ण स्त्रियां भी निश्चय ही देवांगनाएं हैं। 7 बार गिन लेने पर सभी अंक 8 ही हो जाते हैं। तुम्हारे घातक की संख्या से गिना जाए तो ये प्रथम बालक भी 8वां हो सकता है, क्योंकि देवताओं की वामोती गति है। तो श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उससे यूँ कहकर जब मैं चला गया तब देवताओं द्वारा किए गए दैत्य वध के लिए उद्योग का पर कंस को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उसी क्षण यादवों को मार डालने का विचार किया। उसने वसुदेव और देवकी को मजबूत बेड़ियों में बांधकर कैद कर लिया और देवकी के उस प्रथम गर्भजनित शिशु को शिला पृष्ठ पर रखकर पीस डाला। उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण था, अतः भगवान विष्णु के भय से
तथा अपने दुष्ट स्वभाव के कारण भी उसने इस भूतल पर प्रकट हुए देवकी के प्रत्येक बालक को जन्म लेते ही मार डाला। ऐसा करने से उसे तनिक भी हिचक नहीं हुई। ये सब देखकर यदुकुल नरेश राजा उग्रसेन उस समय कुपित हो उठे। उन्होंने वसुदेव जी की सहायता की और कंस को अत्याचार करने से रोका। कंस के दुष्ट अभिप्राय को प्रत्यक्ष देख महान यादव वीर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। वे उग्रसेन के पीछे रहकर खड़ग हस्त होकर उनकी रक्षा करने लगे। उग्रसेन के अनुगामियों को युद्ध के लिए उद्यत देख कंस के निजी वीर सैनिक भी उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। राज्यसभा के मंडप में ही इन दोनों दलों का परस्पर युद्ध होने लगा। राजद्वार पर ही उन दोनों दलों के वीरों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। वे सब लोग खुलकर एक दूसरे पर खड़ग का प्रहार करने लगे। इस संघर्ष में 10,000 मनुष्य खेत रहे। तदंतर कंस ने गदा हाथ में लेकर पिता की सेना को कुचलना आरंभ किया। उसकी गदा से छू जाने से ही कितने ही लोगों के मस्तक फट गए, कितनों के पांव फट गए, नख विदीर्ण हो गए, बाहें कट गई, उनकी आशा पर पानी फिर गया। कोई औंधे मुंह और कोई उतान होकर अस्त्र शस्त्र लिए क्षण भर में धाराशाही हो गए। बहुत से वीर खून उगलते हुए मूर्छित होकर काल के गाल में चले गए। वहाँ इतना रक्त प्रवाहित हुआ कि सारा सभा मंडप रंग गया। राजराजेश्वर, इस प्रकार दुष्ट मद मत कंस ने कुपित होकर उद्भट शत्रुओं को धाराशाही करके अपने पिता को कैद कर लिया। उन्हें राज्य सिंहासन से उतार कर उस दुष्ट ने पासों से बांधा और उसके मित्रों के साथ उन्हें भी कारागार में बंद कर दिया। मधु और शूरसेन की सारी संपत्तियों पर अधिकार करके कंस स्वयं सिंहासन पर जा बैठा और राज्य शासन करने लगा। समस्त पीड़ित यादव संबंधी के घर पर जाने के बहाने तुरंत चारों दिशाओं में विभिन्न देशों के भीतर जाकर रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। देवकी का सातवां गर्भ उनके लिए हर्ष और शोक दोनों की वृद्धि करने वाला हुआ। उनमें साक्षात अनंत देव अवतीर्ण हुए थे। योग माया ने देवकी के उस गर्भ को खींचकर व्रज में रोहिणी की कुक्षी में भीतर पहुंचा दिया। ऐसा हो जाने पर मथुरा के लोग खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, अहो बेचारी देवकी का गर्भ कहाँ चला गया, कैसे गिर गया। व्रज में उस गर्भ को गए 5 ही दिन बीते थे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में बुध के दिन वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से अनंत देव का प्राकट्य हुआ। उच्च स्थान में स्थित 5 ग्रहों से घिरे हुए तुला लगन में दोपहर के समय बालक का जन्म हुआ। उस जन्म वेला में जब देवता फूल बरसा रहे थे और बादल वारी बिंदु बिखेर रहे थे, प्रकट हुए अनंत देव ने अपनी अंग कांति से नंद भवन को उद्भासित कर दिया। नंद राय जी ने भी उस शिशु का जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को 10,00,000 गौवें दान की। गवों को बुलाकर उत्तम गान विद्या में निपुण गायकों के संगीत के साथ महान मंगल में उत्सव का आयोजन किया। देवल देवरात विशिष्ट बृहस्पति और मुझ नारद के साथ आकर श्री कृष्ण द्वापरायण व्यास भी वहां बैठे और नंद जी के दिए हुए पाद्य उपहारों से अत्यंत प्रसन्न हुए। नंद राय जी ने पूछा, महर्षियों, ये सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं आता। महामुने, इनका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ ये मुझे बताइए। तो श्री व्यास जी बोले, नंद, तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है। इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के घर में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याण में रोहिणी के घर में आगमन हुआ। नंद राय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इसका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ, अतः तुम शिशु रूप धारे इन प्रातवर देवता का हम सबको दर्शन कराओ। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूप धारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। श्री व्यास जी बोले, भगवान, आप देवताओं के भी यदि देवता और कामपाल अर्थात सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश हाथ में हल धारण करने वाले शस्त्र मस्तकों से शोभित तथा संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है।
रेवती रमन आप ही बलदेव एवं श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हल अयुद्ध एवं परलम्बासुर के नाशक हैं। पुरुषोत्तम आप मेरी रक्षा कीजिए, आप बल बल भद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौरवरण और रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक मुष्टिक कुंभांड रुक्मी कूपकरण कूट तथा बलवल के शत्रु हैं, कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले आप ही हैं। आप द्विध के विनाशक यादों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन भूषण हैं, आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं, दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। प्रभु जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले प्रात पर देवता साक्षात अनंत आपकी जय हो, जय हो। आपका सुयश समस्त दिगंत में व्याप्त है, आप सुरेंद्र मुनिंद्र और फणिंद्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलधारी हलधर तथा बलवान हैं, आपको नमस्कार है। जो इस जगत में सदा ही स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा, संसार में उसे शत्रु का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा, उसकी सदा जय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन प्राशर नंदन विशाल बुद्धि बाद्रायन मुनि सत्यवती कुमार श्री कृष्ण टपायन वेद व्यास उन मुनियों के साथ बलराम जी को 100 बार प्रणाम और परिक्रमा करके सरसी नदी के तट पर चले गए।